जाम भाई, मतलब क्या चीज का जाम है भाई, ये मेरे को आज तक पता नहीं चल रहा। अभी तक मैं तकरीबन 15 मिनट से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो फाइनली भाई अपन लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए। ये देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय, इतना लेट होने के बाद ये फ्लाइट से जा रहे हैं। कोलकाता पहुँच गए भाई। ये देखो सामने की साइड फ्लाइट, कौन सा एरोप्लेन है भाई, ये पता ही ना चले है। चलो कोई ना यार। ये भाई ये देखो फ्लाइट में आ चुके, इतना कंजेस्टेड है ना। एक तो इतना पुराना फ्लाइट प्लस बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, और फिर मैं आपको बाहर की तरफ दिखाता हूँ गाइस, इसका विंग्स ना ऊपर की तरफ है, बहुत ही पुराना एरोप्लेन है। और फिर अभी यहाँ से ना रनवे पे जा रही है, फिर रनवे से टेक ऑफ होगी। तो ये देखो ये ऐसा घूमेगी इस साइड, और फिर रनवे पे मेन रनिंग करेगी, और फिर अपना फ्लाइट टेक ऑफ होगी। सो अभी देखो यार कितना स्पीड एकदम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड चल रहा है, और फिर आवाज़ भी ना काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मेरे को ऐसा फीलिंग्स नहीं आ रहा कि अपन लोग न्यू वाले एरोप्लेन पे, ये पुराना वाला पुराना की तरह ही आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। और फिर अभी देखो ऊपर की ओर जा रहा है धीरे धीरे भाई, मतलब नीचे का ऊपर से जैसे धीरे धीरे ऊपर जाता ना, तो वैसे शरीर पीछे, और फिर नीचे का व्यू देखो ना, तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाला व्यू आता है। लेकिन इसका मिरर है ना साइड वाला, विंडो वाला, इसका थोड़ा सा स्क्रैचेज है, तो उतना जैसे दिख नहीं पा रहा होगा आपको भाई। बोरिंग सा फील आ रहा है इसमें, थोड़ा सा कंजेस्टेड स्ट्रीट है, पुराना एरोप्लेन है तो सीट भी काफ़ी छोटा छोटा सा है। और फिर विंग्स देखो ना, तो ऊपर की ओर ही है, और फिर नीचे देखो सीट, सारे लोग ऐसे ही, मतलब मेरे को उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। पिछला वाला जो था ना, अपन लोग दिल्ली टू देवघर आए थे ना, वो वाला फ्लाइट में काफ़ी मस्त वाला फैसिलिटी थी यार न्यू वाले में, बट पुराने वाले में थोड़ा सा फैसिलिटी कम है, प्लस आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। मिरर भी देखो उतना क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत ही ब्लर आ रहा है। गाइज ऊपर से नज़ारा देखो यार, मतलब कोलकाता एंट्री भी लिए, ऊपर से देखो सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिख रही है, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है। इसके बाद देखते हैं कौन सा बिल्डिंग दिखता है अपने को। सो ये देखो, मतलब वो बड़ी वाली बिल्डिंग्स थी ना, उसके आगे आए ना, तो ये पूरा शहर ही दिख रहा है यार, कितना छोटा छोटा सा दिख रहा है। मेरे को लग रहा है ना खिलौना की तरह, भाई उठाओ हाथ में खेलो वेलो, ऐसा दिख रहा है। बट यार काफ़ी हाइट पे ना, इसी कारण से सारा कुछ छोटा छोटा दिख रहा है। तो यार देखो यार कितने पेड़ पौधे हैं, कितने घर हैं, काफ़ी मस्त लग रहे हैं। और फिर अपना इधर की साइड विंडो वाला है ना, इसमें थोड़ा सा फॉगी टाइप का आ रहा है, इसी कारण से थोड़ा सा ब्लर भी आ रहा होगा भाई। कोलकाता पहुँच गए भाई, अपन लोग सोच रहे हैं जल्दी से यार इतना घुमाओ नहीं, डायरेक्ट से लेके जाओ, और फिर अपन लोग उतरे, और फिर बस से अपन लोग बाहर की ओर जाएँ। क्योंकि कोलकाता का ये है ना, फ्लाइट से उतरोगे तो तुम पैदल नहीं जा सकते, या फिर कैसे भी नहीं, उसके लिए तुमको बस आएगी लेने के लिए, और फिर बस छोड़ेगी तुम्हें गेट तक। तो फाइनली भाई अपन लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए। ये देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और फिर गाइस इधर पता नहीं कौन पॉलिटिक्स या फिर क्या है, आज क्या है यार, इतना ज़्यादा भीड़ था ना, अपन लोग उधर कुछ बना ही नहीं पाए, बस एयरपोर्ट भी अंदर पूरा भीड़, बाहर से भी पूरा भीड़ था, प्लस ये फ्लैग किस चीज़ का मेरे को पता नहीं है। सो अभी अपन लोग बाहर आए हैं, और फिर इधर भी अपन लोग थोड़ा देर बैठेंगे। जाम भाई, मतलब क्या चीज़ का जाम है भाई, ये मेरे को आज तक पता नहीं चल रहा। अभी तक मैं तकरीबन 15 मिनट से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ भाई, इतना जाम है ना, इतना जाम है ना, इधर तो कुछ भी नहीं, उधर बहुत ही शोर हो रही है, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वाली शोर हो रही है। और फिर ये फ्लैग किस चीज़ का मेरे को ये भी नहीं पता, शायद इधर कोई पार्टी होंगे भाई। मैंने एयरपोर्ट पे देखा था कोई बंदा एक बड़ा सा चैंपियन वाली कप लेके जा रहा था, शायद उसी का खुशी में यार सारे लोग यार देख रहे हो, ईस्ट बंगाल फैन क्लब का ये सारे लोग लेके जा रहे हैं। वो झंडा वो है बंगाल का है ना, कोलकाता में है ना, इसीलिए भाई कतई जहर वाला रस है यार। सो भाई अपन लोग कोलकाता इसलिए आए कि आज अपन लोग लैपटॉप लेने वाले हैं भाई, क्योंकि अपने को वीडियो एडिटिंग करनी है, प्लस GoPro 12 अपन लोग ले लिए हैं, तो उसमें वीडियो एडिट करने के लिए फ़ोन से नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए लैपटॉप अपने को चाहिए। तो इसी कारण से अपन लोग कोलकाता आए यहाँ से लैपटॉप लेने के लिए। बस फ्रेंड आएगा, लैपटॉप देगा, फिर अपन लोग शायद नाइट में स्टे करेंगे, और फिर सुबह निकल जाएंगे अपन लोग बिहार के तरफ। तो अभी तो फिलहाल कोलकाता में, पीछे देख सकते हो हालांकि फ्रंट कैमरा है ना, तो फिर भी यार देख के समझ लो एयरपोर्ट है, यहाँ से बस लैपटॉप अपने को लेनी है, और कोई काम है नहीं, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ सीन दिखा दिए। कभी आएंगे ब्लॉग, जब मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट होगी ना, तो स्पेशली आएंगे, उस टाइम आपको सारा कुछ कवर अप करेंगे।
सो आज सोच रहे हैं वीडियो को यहाँ पे एंड करें। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, बाय बाय।